हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। यदि आप लो स्टूडेंट है या आप लो का नॉलेज रखना चाहते हैं, लो से रिलेटेड वैकेंसी चाहते हैं या लो के एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, उन सब की अपडेट हमारे वीडियो पे मिलती है। आज किस टॉपिक में बात करेंगे वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। थंबनेल और टाइटल दोनों में ही आपने देखा है। अब मैं इस टॉपिक में वीडियो क्यों बना रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था जो था कि एलयू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जो जयपुर की है, उसका एडमिशन कब स्टार्ट होगा उसके बारे में। क्योंकि यूलेट और आरयूलेट राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो सब लोगों को क्वेरी था कि जो ये हमारी एलयू यूनिवर्सिटी है ये भी एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है क्या, करवाती है तो इसकी डेट कब आने वाली है। तो इसका हम लोगों ने उस वीडियो में पूरा देखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप भी एडमिशन से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे। क्या एग्ज़ाम जुलाई में नहीं हो रहे हैं, क्या एग्ज़ाम अगस्त में होंगे, क्या एग्ज़ाम जून में होंगे, सब स्टूडेंट्स की क्वेरी है। देखो, यूनिवर्सिटी से जो अपडेट आया था वो अपडेट आपके एग्ज़ाम का जुलाई में होने के लिए आया था कि आपका एग्ज़ाम 15 जुलाई से या फिर जैसे जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको टाइम टेबल डेट सब मिल जाती और आपका एग्ज़ाम जुलाई के थर्ड वीक के अंदर स्टार्ट होता, सेकेंड वीक के बाद, 15 जुलाई के बाद। बट अभी कंडीशन ये है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा सभी यूनिवर्सिटियों को, सभी कॉलेजों को ये गाइडेंस दी गई है कि आपसे जो कोविड के कारण जो टाइम गलत हुआ है, जो टाइम जो आगे पीछे हुआ है एग्ज़ाम का, एडमिशन का, उसको पूरा सही करना है। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने भी अभी अपना जो एनुअल का पूरा जो कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर, वो डाला था। अब एकेडमिक कैलेंडर डालते ही 3-4 दिन के अंदर ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि एलयू यूनिवर्सिटी अभी एडमिशन नहीं करवा सकती है, एडमिशन के लिए रेडी नहीं है। एकेडमिक कैलेंडर तो उन्होंने डाल दिया पर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं की है। तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने में उनको 15 जुलाई तक लग जाएंगे, मतलब 15 जुलाई के बाद एडमिशन स्टार्ट होंगे। अब आप बोलते हो कि एडमिशन बाद में ले लो, हम लोग के एग्ज़ाम तो टाइम से कंडक्ट हो जाए। आप ये बताओ, यदि कॉलेज वाले एग्ज़ाम पहले करवा देते हैं, मतलब जुलाई के 15 जुलाई के बाद आपका एग्ज़ाम करवा देते हैं और एडमिशन बाद में लेते हैं, तो वो एडमिशन की प्रोसेस चली जाएगी सितंबर तक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे अगस्त में, सितंबर में वो स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर से उनके क्लासेस स्टार्ट होगी, तो इससे अगले साल का भी एग्ज़ाम लेट होगा, पूरा एकेडमिक कैलेंडर है वो पूरा ही बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले एडमिशन करना ज़रूरी है। तो यूनिवर्सिटी नॉर्मल सी बात है कि पहले एडमिशन करेगी। अब वो कोशिश कर रही है जितना जल्दी एडमिशन स्टार्ट कर सके उतना जल्दी एडमिशन स्टार्ट करे कॉलेज के जो होने वाले हैं वो। अब वो एडमिशन स्टार्ट कब होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। अभी चल रहे हैं हॉलीडेज, फिर जुलाई के अंदर एडमिशन स्टार्ट होगा। अब इसके बाद एडमिशन कंप्लीट होते ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाने चाहिए, एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि यदि आपका जो इलेक्शन है वो अगस्त में होगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा या 5 अगस्त को होगा या 10 अगस्त को होगा, तो फिर एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाए। अब आप बोलोगे कि इलेक्शन तो एक दिन का होता है तो उससे हमारे एग्ज़ाम को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एग्ज़ाम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या दिक्कत है। तो इसमें दिक्कत ये है कि आपको एक दिन कॉलेज जाके वोट देके आना है वो तो ठीक है, और एग्ज़ाम खाली, मतलब जो ये होने वाले हैं इलेक्शन, वो खाली लो कॉलेज में तो होंगे नहीं, पूरे राजस्थान में होंगे। तो सभी स्टूडेंट को, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनको पूरा कैंपिंग करने में, सब चीज़ करने में टाइम लगता है। अब आप जुलाई के अंदर एग्ज़ाम यदि करवाते हैं तो फिर वो इलेक्शन कैसे होंगे। अब इलेक्शन से 10 दिन पहले एग्ज़ाम है तो वो स्टडी कर रहा है, स्टडी करने के बाद वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो उसको इलेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। यही वो ये चीज़ करे कि इलेक्शन करा देते हैं, फिर दूसरे दिन एग्ज़ाम है तो फिर वापस टाइम नहीं मिलेगा, इलेक्शन का फिर रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है और सब चीज़ में भी टाइम लगता है। तो यदि इलेक्शन आपके जो अगस्त है हमारा उसमें लास्ट वीक में यदि होते हैं तब आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। सितंबर फर्स्ट वीक में भी होते हैं इलेक्शन तो भी आपका एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो सकता है। बट ये इलेक्शन की डेट आने पे होगी कि कॉलेज के अंदर इलेक्शन की डेट क्या रहती है, अदरवाइज पहले एडमिशन और फिर इलेक्शन,
और फिर एग्जाम, ये प्रोसेस होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। बाकी ऑफिशियल न्यूज कुछ नहीं है। जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था, लास्ट ईयर क्या हुआ था, पहले एडमिशन हुआ था, उसके बाद में एग्जाम की जो डेट्स थी उनको इलेक्शन से आगे किया गया। पहले ये था कि अगस्त में होंगे एग्जाम, बट अगस्त के अंदर इलेक्शन होने के कारण वो एग्जाम सितंबर में चले गए। तो इसी प्रकार उसी अकॉर्डिंग देखेंगे, लास्ट ईयर जैसे हुआ है वैसे ही अभी हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम लेट होंगे। बट क्वेश्चन ये है कि एग्जाम कभी भी हो, आपको जुलाई के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आप करते आ रहे हो, क्योंकि ये चीज तो मार्च में ही अप्रैल में डिक्लेयर हो गई थी कि एग्जाम जुलाई में होंगे। पहले ये था कि एग्जाम इस बार भी जल्दी करवाने का था, बट आपके एग्जामिनेशन फॉर्म ही इतने लेट फिलअप हुए, इतना लेट मैनेजमेंट चला यूनिवर्सिटी का, तो उससे एग्जाम अपने आप जुलाई तक चले गए। तभी भी कुछ लोग बोलते थे कि जून में होंगे, जून एंड में होंगे, जून सेकेंड वीक में होंगे, जून फर्स्ट वीक में होंगे, कुछ कॉलेजों में बोला गया कि जून में होंगे। तो उस टाइम भी हम लोगों ने यही देखा कि जून के अंदर समर हॉलीडेज रहते हैं, उन हॉलीडेज में एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। फिर यूनिवर्सिटी के पास प्रिपरेशन नहीं की हुई थी एग्जाम कंडक्ट करवाने की जून में। अब जैसे यूनिवर्सिटी के पास एडमिशन जून में होने थे बट प्रिपरेशन नहीं है तो उसके कारण वो जुलाई में गया है, वैसे ही आपके एग्जाम भी लेट होने की पूरी पूरी संभावना है लास्ट ईयर जैसे कि जैसे। अब आपके एग्जाम चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना अच्छा है आपके लिए स्टडी करने के लिए। आपके पास बाबेल की सीरीज अवेलेबल है, आपके पास काफी चैनल है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी के साथ में मैं तो आपको सजेशन करूंगी कि आप लास्ट डे के पेपर देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट है उनके क्वेश्चंस बुक से तैयार करो, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे आराम से। अभी भी आपको डाउट है कि आपके एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, तो मैं तो यही सजेशन देना चाहूंगी, इन सब डाउट को छोड़ के आप सिलेबस लो और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स अपना चूज करो। उन टॉपिक्स के आप बुक से क्वेश्चन निकालो, सीरीज से क्वेश्चन निकालो, किस फॉर्मेट में कैसे दिया हुआ है उसको एक ड्राफ्ट करके अपने खुद के पर्सनली नोट्स बना लो। सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं अपने पर्सनली नोट्स। और जो स्टूडेंट LLB फर्स्ट ईयर में है उनको स्पेशली कहना चाहूंगी कि आप यदि अभी ये वर्क करोगे तो ये आपके लास्ट आगे तक काम आएंगे। चाहे आप LLM करो आगे, चाहे आप RJS की तैयारी करो या जुडिशरी की तैयारी करो, मतलब RJS जुडिशरी एक ही हो गई, लो ऑफिसर की तैयारी करो, किसी भी लो एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्जाम लगते हैं वो सब में आपके ये नोट्स हेल्पफुल होंगे। इसी के साथ में यदि आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो भी ये नोट्स आपके आगे फ्यूचर में काम आने वाले हैं। तो आपको जो टाइम मिल रहा है उसका यूटिलाइज कीजिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी और हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, उसके लिए भी हम एक लॉन्ग पूरा वीडियो बना देंगे।